टपुकड़ा में शनिवार को 18 प्लस के नागरिकों को वैक्सीन के टीके लगाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय ने अलवर न्यूज के रिपोर्टर जेके गुजराल को बताया कि अस्पताल में तो पहले से ही वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह वैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय राजकीय अस्पताल में कोरोना के 15 रोगी भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीन तो अपने कंटिन्यूस पहले से चल रहा है, कभी 45 प्लस ग्रुप का आता है, कभी 18 प्लस ग्रुप का आता है, लेकिन क्या है कि कुछ कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से और हमारे एसडीएम साहब के निर्देशों के अनुसार हम पहले तो हॉस्पिटल कैंपस में लगा रहे थे वैक्सीनेशन, लेकिन आज से इसको सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया, जिससे कि हमारे हॉस्पिटल में तो कोविड के पेशेंट्स भी आते हैं, तो इस कोविड का स्प्रेड ना हो, सुरक्षा को देखते हुए इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया और वहाँ ये सुचारू रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीन लिया है। हाँ। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम सेफ हो जाएंगे इसमें से। क्या सोच कर आपने ये वैक्सीन लिया? कि हमारे घर पे दो बच्चे हैं, उनको इफेक्ट ना हो हमारे वजह से, इस कारण मैंने लगा लिया हम दोनों ने। हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संपत कुमार है सर। जी आपने वैक्सीन लिया? हाँ जी, पहला डोज है। पहला डोज लिया आज 18 प्लस में। हाँ जी 18 प्लस में। क्या सोच कर लिया था आप? सर अगर सारे पब्लिक वैक्सीन ले लिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान कोविड फ्री हो जाएंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे, सर इसलिए वैक्सीन लिया जी। थैंक यू।